अपने चैनल ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आज दिखाने वाले हैं प्लेटेड, जो हमारी जो प्लेटेड विंडो होती है उसको किस तरीके से दरवाजे वगैरह या डोर वगैरह पर फिक्स किया जाता है, मैं बताऊंगा उसको किस तरीके से फिक्स किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो में नए हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं दिखाने वाला हूँ विंडो पर उसको किस तरीके से फिक्स किया जाता है, क्योंकि अलग अलग तरीके की विंडो होती हैं तो फिक्सिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो सीधे सीधे इस विंडो को आप खुद भी अपने घर में आसानी से फिक्स कर सकते हैं, तो यही मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं इसको किस तरीके से फिक्स आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डोमाल विंडो है, ये डोमाल विंडो है 2765 सीरीज है, तो इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती हैं इसको फिक्स करने में, क्योंकि ये क्या है कि अगर हम इसको करेंगे इसका जो पल्ला होता है ये लगभग 3 सूत 2 सूत के आसपास हमारा पल्ला बाहर की तरफ होता है। अब इसके लिए प्लेटेड जो होती है, प्लेटेड के लिए पूरा प्लान सरफेस चाहिए ताकि हम उसे आसानी से फिक्स कर सकें, जैसा कि आप सरफेस यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है प्लान सरफेस चाहिए यहाँ पर, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्लान सरफेस चाहिए ताकि हमारा स्क्रू आराम से लग जाए। अब डोर जो होते हैं, डोर क्या होते हैं, डोर हमारी जो है चौखट पर लगते हैं, तो चौखट पर उस इसको आसानी से फिक्स कर दिया जाए। सोच कीजिए ये चौखट है तो आप उसको क्या करना है, क्योंकि ये इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से चौखट के ऊपर फिक्स हो जाता है। अब जो कि डोमाल विंडो है तो डोमाल विंडो में फिक्स करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि ये देख सकते हैं ये जो हमारी जो ट्यूब है ये 25 mm x 38 mm की ट्यूब है, तो इसका इस्तेमाल आप करेंगे और 19x19 mm की ट्यूब का भी आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं फिक्स करने के लिए। यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से लगाएंगे और इस तरीके से इसको लगाने के बाद इसके ऊपर विंडो इस्तेमाल करेंगे। अब जहाँ पर 2-track विंडो होंगी वहीं पर आपको इसको लगाना है, क्योंकि 3-track विंडो में ऑलरेडी जाली का पल्ला लगा हुआ होता है, तो इस तरीके से इसको फिक्स किया जाता है। और फिक्सिंग के लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये होल्स होते हैं हमारे जो कि फिक्सिंग के लिए होते हैं। इसमें होल लगा दे, होल करने के बाद डायरेक्ट आप स्क्रू लगा सकते हैं, विंडो है आपका लकड़ी की विंडो है कोई भी है तो इसमें सीधे सीधे स्क्रू लगा सकते हैं, और इसके लिए हम ऑलरेडी कैप देते हैं, यहाँ पर कैप से आप इसको कवर कर सकते हैं, स्क्रू हमारा नहीं दिखता। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ बॉम्बे स्लाइडिंग विंडो की, तो बॉम्बे स्लाइडिंग के पल्ले जो होते हैं वो अंदर की तरफ चलते हैं और ट्रैक हमारा ट्रैक का जो सरफेस होता है बिल्कुल प्लेन होता है, तो उस पर क्या करेंगे सीधे सीधे उस पर कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से स्क्रू लगा देना है और हमारी प्लेटेड लग जाएगी। तो दोस्तों ये थी प्लेटेड। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।